Welcome students, here's the last part of commercial banking in which we will discuss about the problems or challenges faced by the commercial banks as well as the recent developments in commercial banks in India. So let's discuss the first part of the presentation, that is the problems being faced by the commercial banks in India. And the first point to be discussed here is that the commercial banks have less penetration in rural areas. वैसे तो जो banks हैं वो काफी areas में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ rural areas हैं, कुछ villages ऐसे हैं जो कि अभी भी unbanked हैं, जहां पर अभी भी banks नहीं पहुंच पाए. The second point here is the quality of assets has reduced. अब जो bank है, जब वो आपको loan देता है, तो ऐसा लोन बैंक के लिए एक एसेट है, क्योंकि ये लोन बैंक ने रिकवर करना है हमसे. सो दिस लोन इज एन एसेट फॉर द बैंक. अब क्या है कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो लोन ले जाते हैं लेकिन उसको रीपे नहीं कर पाते. तो जब आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो ऐसा एसेट बैंक के लिए एनपीए बन जाता है. जिस लोन के ऊपर बैंक को पेमेंट वापस नहीं मिल पाती, रीपेमेंट नहीं हो पाती जिन लोन्स की, ऐसे लोन्स को या ऐसे एसेट्स को क्या कैटेगराइज किया जाता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो जो बैंक्स हैं, आप देखेंगे, अगर आप नेट पे जाके कुछ फिगर्स लेके देखें तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो बैंक के एनपीएज हैं वो बढ़ रहे हैं. ठीक है जी. So this is the very common problem that is faced by the commercial banks, कि जो इसके assets हैं, इनकी quality जो है वो reduce होती जा रही है. Number of NPAs जो है, number of non-performing assets जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक problem है commercial banks के लिए. The next point is no proper follow-up of loans. अब follow-up करना क्या होता है? Follow-up करना means देखना कि जो लोन आपने कस्टमर को दिया है, क्या वो लोन प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं. एक फार्मर है, उसने लोन लिया था ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ट्यूबवेल इंस्टॉल ना करते हुए जो लोन का पैसा है वो यूज कर लेता है अपनी डॉटर की मैरिज के पर्पस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए. तो ऐसे में जो लोन है वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाया जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया था. सो दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर कमर्शियल बैंक, कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स का प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि जो लोन है वो उन पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है जिन पर्पसेस के लिए दिया है या नहीं. द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द बैंक्स इज इंटेंशनल डिफॉल्टर्स. नाउ हु इज अ डिफॉल्टर? डिफॉल्टर मीन्स अपराधी, एंड इंटेंशनल मतलब जानबूझकर किया गया. प्लीज मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइए, बहुत बुरी है. सो इंटेंशनल डिफॉल्टर्स में क्या आएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स के पास लोन लेने के लिए आते हैं और इसी मकसद से आते हैं कि हम लोन ले तो लेंगे लेकिन हम पे नहीं करेंगे, या फिर ऐसे पर्पसेस के लिए लोन्स ले लेते हैं जिन पर्पस के लिए उनको यूज ही नहीं करना, या फिर नकली कंपनियां खोल के, नकली कंपनीज खोल के लोन्स ले लेते हैं. तो ऐसे लोन्स कभी वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे. दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. अब बैंक्स के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. कैसे? देखिए, अब एक नया कंसेप्ट आ गया है पेमेंट बैंक का, फिर हमारी कंट्री में फॉरेन बैंक्स भी हैं, अगेन एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो जो बैंक्स है उनका कंपटीशन इन सब के साथ है जो कि बढ़ता जा रहा है. ये अगेन एक चैलेंज है कमर्शियल बैंक्स के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट. देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चले जाएं तो आप खुद भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छे से सुनवाई नहीं होती.
बैंक जाना खुद में एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब बन जाता है। बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड, प्रॉपर उनमें स्किल नहीं है, उनको नहीं पता बैंक को कैसे मैनेज करना है। बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको आईटी की नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है। सिंस यहाँ पे जो लोग बैठे हैं बैंक्स में दे आर हाईली अनस्किल्ड, सो दिस पोजेस अ प्रॉब्लम एंड चैलेंज फॉर द कमर्शियल बैंक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे छोटे 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 बैंक्स हैं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द आर? नीड ऑफ द आर इज मेगा मर्जर। बड़े बड़े मर्जर्स किए जाएं, छोटे छोटे बैंक्स को आपस में जोड़ दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, ताकि उनकी जो ओवरऑल वर्थ है वो इंक्रीज हो जाए और वो फॉरेन बैंक्स के साथ कंपीट कर सके। देखिए इस टाइम हमारा कंपटीशन ग्लोबली है, तो अगर आपको फॉरेन बैंक्स के साथ कंपीट करना है आपको मर्जर्स करने पड़ेंगे, एक्विजिशंस करनी पड़ेंगी, आपको बैंक्स को कंबाइन करना पड़ेगा। सो द नीड ऑफ द आर इज टू डू मेगा मर्जर ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें हमारी कंप्यूटर, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम्स, ईसीएस, ये सब आ जाता है। ठीक है जी, अब जो ई बैंकिंग है वो मोस्टली हर जगह पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कि रूरल एरियाज जहाँ पे ई बैंकिंग नहीं पहुंच सकी। रूरल एरियाज के लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, कंप्यूटर बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और यहाँ पे कम नॉलेज होने की वजह या कम पेनिट्रेशन की वजह है नो इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या फिर उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, या फिर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो बैंक्स हैं वो ई बैंकिंग को यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे रूरल एरियाज में। येट अनदर प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इज द पॉलिटिकल प्रेशर। अब पॉलिटिकल प्रेशर में क्या है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं या फिर पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट है उनके उसके पास गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है बैंक्स की मैनेजमेंट का। सो यहाँ पे बाइजनेस आ जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से बैंक्स को कभी-कभी ऐसे लोन्स देने पड़ जाते हैं जो जिन लोन्स की प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, या फिर जो लोन्स बैंक को फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे लगता है कि ये लोन्स वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसे लोन्स को भी बैंक्स को ग्रांट करना पड़ जाता है ड्यू टू दीज पॉलिटिकल प्रेशर्स, और ऐसे लोन्स की कभी वापसी नहीं होती और अल्टीमेटली ऐसे लोन्स एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। येट अनदर पॉइंट इज द लेस लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब देखिए बड़ी एंटरप्राइजेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, लेकिन जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन्स देना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं ये प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, अपने लोन्स की प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, इसलिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कमर्शियल बैंक्स लोन्स नहीं दे पाते, विच इज अगेन अ चैलेंज फॉर द कमर्शियल बैंक्स। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग। अब हैकिंग में क्या है, क्योंकि अब जो बैंकिंग है वो मोस्टली ऑनलाइन हो गई है, सो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। जो कार्ड्स हैं वो क्लोन हो जाते हैं, नकली कार्ड बना लेते हैं लोग, जिससे कि फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस आपकी सिक्योर नहीं होती समटाइम्स, या फिर नकली वेबसाइट्स बना ली जाती हैं बैंक्स की। सो ऐसी जो प्रॉब्लम है हैकिंग की, इस वजह से एक एनवायरनमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है जो कि एक चैलेंज है कमर्शियल बैंक्स के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग बैंक रॉबरीज एंड फ्रॉड्स। एटीएम्स को लूटना, बैंक्स में गन पॉइंट पे रॉबरीज करना,
ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अपने ही रिलेटिव्स को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोन दे देते हैं, जो हाई लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे हैं बैंक्स में वो फेक कंपनीज में अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा चलाई गई कंपनीज में लोन्स दे देते हैं, फ्रॉड्स कर रहे हैं बैठकर। सो ये जो बैंक रॉबरीज और फ्रॉड्स की प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है कमर्शियल बैंकिंग के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज लॉसेस फ्रॉम रूरल ब्रांचेस। दो जो रूरल ब्रांचेस, रूरल एरियाज में ब्रांचेस खोलना एक प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है बैंक्स के लिए, लेकिन रूरल ब्रांचेस बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। यहाँ से बैंक्स को इतना बिजनेस नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रूरल ब्रांचेस सेटअप करनी पड़ती हैं। सो जो लॉस है रूरल ब्रांचेस से, दैट पोजेस अ चैलेंज फॉर द कमर्शियल बैंक्स। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। नाउ व्हाट कम्स इन रीसेंट डेवलपमेंट्स इज पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में कमर्शियल बैंकिंग ने क्या अच्छी चीजें देखी हैं, क्या डेवलपमेंट्स, क्या ग्रोथ देखी है कमर्शियल बैंकिंग ने, ये हम इस पार्ट में कवर करेंगे। सो द फर्स्ट डेवलपमेंट हियर इज द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री लिबरलाइज कर दी गई है। फॉरेन बैंक्स बहुत सारे इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर कमर्शियल बैंकिंग। सेकेंड पॉइंट हियर इज लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन। जो बैंक्स हैं उन्होंने अगर अपनी ब्रांचेस खोलनी है अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग एरियाज में, तो ब्रांचेस को जो एक्सपैंड करने का काम है वो अब लिबरलाइज कर दिया गया है। लिबरलाइज मतलब फ्रीडम दे दी गई है। पहले आपको ब्रांच खोलनी पड़ती थी तो आपको बहुत सारी परमिशंस एंड सैंक्शंस लेने पड़ते थे, अब ये काम इजी कर दिया है सरकार ने, ब्रांच एक्सपेंशन को लिबरलाइज कर दिया है, विच इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जो इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स या फिर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स या फिर एफडीज के इंटरेस्ट रेट्स, पहले रेगुलेटेड थे। अगर हम पहले की बात करें तो ये जो रेट्स थे ये बैंक्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे, ये इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई डिसाइड करता था या फिर कोई और हायर एजेंसी डिसाइड करती थी, ये बैंक्स के हाथ में नहीं था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट्स फिक्स करने का काम है वो सरकार ने रिस्पेक्टिव बैंक्स को दे दिया है। अब बैंक्स जो हैं वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, डीरेगुलेशन हो गए हैं इंटरेस्ट रेट्स। सो दिस इज अनदर डेवलपमेंट। येट अनदर डेवलपमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स इज द कोर बैंकिंग फैसिलिटी दैट इज ऑल्सो नोन एज CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिए दिस इज PNB और PNB के अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में। दिस इज ब्रांच 1, दिस इज 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, ब्रांच 6, मान लीजिए 6 ब्रांचेस हैं PNB की। मान लीजिए आपका अकाउंट ब्रांच 1 के साथ था, अगर हम पहले की बात करें, अगर आपका अकाउंट ब्रांच 1 के साथ था तो आप ब्रांच 1 के साथ ही डील कर सकते थे। आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ ब्रांच के पास जाकर डीलिंग्स नहीं कर सकते थे। लेकिन रीसेंट टाइम में क्या अच्छी चीज हुई है कि ये जो सब ब्रांचेस हैं ये CBS के अंडर आ गई हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंडर आ गई हैं। अब आप अपने, आपका अकाउंट चाहे ब्रांच 1 में है लेकिन आप उसको किसी भी ब्रांच से ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज हो गया है। सो नाउ यू आर कस्टमर टू द बैंक एंड नॉट अ कस्टमर टू द ब्रांच। अब आप बैंक के कस्टमर हैं ना कि ब्रांच के कस्टमर। आप अकाउंट चाहे एक ब्रांच में खुलवाइए लेकिन आप अपने अकाउंट में ऑपरेशन किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज कोर बैंकिंग फैसिलिटी। Another development here is e-banking. देखिए e-banking के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
आपको पता है ई बैंकिंग में क्या सब आता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, NEFT, RTGS, ये सब ई बैंकिंग में आता है। और पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो जो ई बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा वाइडली एंड फेमसली स्प्रेड हो रही है। दिस इज अनदर गुड डेवलपमेंट। डीप पेनिट्रेशन ऑफ ATM। आप देख रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, ATMs हैं, इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं रही, आप अपनी ट्रांजेक्शन ATM से कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट हियर इज रिफॉर्म्स इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देखिए, पहले आपको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए चेक या वाउचर देना पड़ता था, अब आप घर पे बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग यूज करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप ECS, NEFT, RTGS ये मेथड्स यूज करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फंड्स ट्रांसफर हैज बिकम इजी। अंडर अदर रिफॉर्म्स वी हैव रिड्यूस्ड CRR SLR रेशियो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेशियोज हैं इनको कम कर दिया गया है, जिससे कि बैंक्स के पास जो लोन्स देने की लिक्विडिटी है वो बढ़ गई है, जिससे कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, लिक्विडिटी अच्छी है। बैंक्स अब बाहर से, ओवरसीज से परचेज बोरो कर सकते हैं, फंड्स बोरो कर सकते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप कर लिया है बैंक ने, अगर बैंक का एक एम्प्लॉय कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉय या तीसरे एम्प्लॉय के साथ ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। दिस कम्स अंडर इंटरनल चेक, जिससे कि जो फ्रॉड्स हैं कमर्शियल बैंकिंग में उसकी जो रेशो है वो कम हो जाएगी। व्हेन कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, देखिए ग्रीवियंस मीन्स प्रॉब्लम एंड रिड्रेसल मीन्स सॉल्यूशन। सो कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो उसकी सॉल्यूशन के लिए बैंक्स ने सिस्टम डेवलप कर दिया है, जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। येट अनदर कंसेप्ट हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दीज आर सम डेवलपमेंट्स इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। सो लेट्स टेक अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन दिस प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वॉज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रॉब्लम्स और इशूज फेस्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, एंड अनदर पार्ट वॉज ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स। टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स और इशूज दैट आर फेस्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वॉज द लेस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज। अनदर पॉइंट वॉज रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ एसेट्स। येट अनदर पॉइंट वॉज नो प्रॉपर फॉलो अप। इंटेंशनल डिफॉल्टर्स, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग, एक पॉइंट हमने किया था पॉलिटिकल प्रेशर्स वाला, एक पॉइंट हमने किया था MSMEs वाला, कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको कम लोन्स दिए जाते हैं। अनदर पॉइंट वी डिस्कस्ड वॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रॉड्स एंड रॉबरीज, एंड द लास्ट वन वॉज लॉस फ्रॉम रूरल ब्रांचेस। So this is what we have done in problems or issues faced by the commercial banks. Now, moving towards the recent developments, here
We discussed about the entry of private sector banks and foreign banks. Private sector और foreign banks आ गए हैं अब, जिस वजह से एक अच्छी development हुई है. Branch expansion को liberalize कर दिया गया है. इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट कर दिया गया है. कोर बैंकिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है. ई बैंकिंग के अंडर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं घर बैठे बैठे. एटीएम्स जो हैं वो डीपली पेनिट्रेट हो रहे हैं. फंड्स ट्रांसफर में रिफॉर्म्स आ गए हैं. अब हम घर बैठे बैठे ECS, NEFT या RTGS के थ्रू फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द अदर रिफॉर्म्स, जहाँ पे हमने इंटरनल चेक, पेमेंट बैंक्स, CRR SLR, बोरोइंग फ्रॉम ओवरसीज, इन सब चीजों की बात करी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द कमर्शियल बैंकिंग.